सोलन के डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है। 48 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत ब्यूल के पौधे का एक जिन विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत दिया गया ये प्रोजेक्ट 3 साल तक चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नौणी विश्वविद्यालय के ट्री इम्प्रूवमेंट एंड जेनेटिक रिसोर्स डेवलपमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर HP संख्यान कंडक्ट करेंगे और इसमें प्रदेश के अलग अलग 6 जिले कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और मंडी जिला में पैदा होने वाले ब्यूल की विभिन्न प्रजातियों को एकत्रित करके विश्वविद्यालय में उन पर शोध किया जाएगा और जो भी प्रजातियां व क्लोन अधिक न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला होगा व जिनमें अधिक पत्ते होंगे उन्हें विश्वविद्यालय में विकसित करके किसानों व पशुपालकों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में न केवल अच्छा चारा पशुओं को उपलब्ध होगा बल्कि इससे पशुओं की दूध देने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HS शर्मा ने बताया कि जीव पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज के तहत नौणी विश्वविद्यालय को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसे 3 साल तक चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नौणी विश्वविद्यालय की ट्री इम्प्रूवमेंट एंड जेनेटिक रिसोर्स डेवलपमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर HP संख्यान कंडक्ट करेंगे। विश्वविद्यालय को जो है एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज है। ये प्रोजेक्ट 48 लाख का 3 साल के लिए है और ये प्रोजेक्ट जो है विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट डॉक्टर HP संख्यान हैं वो इसको कंडक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत हम ग्रेविया ऑप्टिवा ब्यूल जिसको हम कहते हैं उसका जीन बैंक जो है विश्वविद्यालय में स्थापित करेंगे। ये ब्यूल के जितने भी अलग अलग प्रजातियां हैं वो हम 6 जिलों से इकट्ठा करेंगे, उनको इकट्ठा करके यहाँ विश्वविद्यालय में उनकी जो है इवैल्यूएशन करेंगे और उनमें से जो जो भी प्रजातियाँ या क्लोन्स जिसमें ज़्यादा पत्ते हो और जिसके पत्ते की न्यूट्रिशन ज़्यादा हो उसको जो है फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करके किसानों को उपलब्ध कराएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत आगे आने वाले समय में पशुओं को सर्दियों के मौसम में ना ही केवल हरा चारा मिलेगा लेकिन इस ज़्यादा न्यूट्रिशियस जो क्लोन्स हम आइडेंटिफाई करेंगे उससे हमारे दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय या भैंस जो है दूध की भी मात्रा में बढ़ोतरी होगी और उससे हमारे किसानों की जो है आमदनी भी अच्छी हो जाएगी।